गोवर्धन क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में लगातार हुई दो दिन बारिश से नष्ट हुई फसलों के सर्वे, बीमा राशि व शेष रहे मुआवजा राशि की मांग को लेकर विधायक ठाकुर करिंदा सिंह ने मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री से मुलाकात की और किसान समस्याओं से अवगत कराते हुए पत्र दिया, जिसमें विधायक ने पत्र के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि उनके द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान पाया गया कि वर्तमान में बारिश के कारण खरीफ सरसों, धान, आलू फसलें बारिश के चलते हुए पूर्णतः खराब हो चुकी हैं। इन फसलों का निरीक्षण सर्वे शीघ्र कराया जाए व किसान बंधुओं को इसका मुआवजा बीमा दिया जाए। साथ ही विगत वर्ष 2020 और 21 की फसल बीमा राशि किसान बंधुओं को शीघ्र दी जाए। विधायक करिंदा सिंह ने मुख्यमंत्री से चर्चा करते हुए क्षेत्र की समस्याओं और किसान भाइयों की मांगों से अवगत कराकर शीघ्र हल कर मदद की मांग की है। तो माने बाबू जी बताइए, जो आज दो तीन दिन की बारिश से खेतों में जलमग्न हो गई है फसलें, उन किसानों को लेकर के क्या कहेंगे? ये किसानों को समय खेत बोने का समय आ गया था, धान भी कटने को तैयार थे, लाए भी बोया जा रहा था, आलू भी बोने के लिए किसान कुछ बो रहा था, बोने के लिए तैयार था, लेकिन ये बेमौसम की वर्षा, इतनी वर्षा हुई जिसने जो धान की फसल को चौपट कर दिया, नीचे गिरा दिया और उसमें पानी भर गया। पानी भरने पर धान बिल्कुल सड़ जाता है। मैंने जाके मौके मायना भी किया, कई जगह जाके देखा कि किसान बिल्कुल किसानों खेती धान की बर्बाद हो चुकी है। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने कल हम नखलो गए, कल हमारा विधानसभा थी, उसमें भी हमने माननीय योगी जी को ये बात रखी कि बेमौसमी वर्षा होने पर, अतिवर्षा हुई है, उससे खेती धान की चौपट हो चुकी है। और जिलाधिकारी से भी बात की, उसमें भी सर्वे का काम शुरू करवा दिया गया है और सर्वे करा के जो भी किसान का जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करके उसका भरपाई हो, ऐसे उसमें प्रयास किए जा रहे हैं।